सिद्धत नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बात ये कहता हूं कि हमें जोश में होश रखना है। अभी आप सरकार के अंदर आए नहीं हो, सरकार माने से पहले ही अगर सरकार की फीलिंग लेने लग जाओगे तो सरकार में नहीं आओगे। इतनी फीलिंग मत लो। हाँ ये ठीक है कि आपका एक व्यक्ति है जो आपकी पैरोकारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बदमाशों से आपका बचाव भी करवा रहा है, लेकिन जैसा अपन चाहें सारी चीजें जब भी हो सकती है तब सरकार आपकी बने। मैं चाहता हूं ऐसी व्यवस्था कि गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, थानेदार उसको चाय पानी का पूछे, बाबा चाय पियोगे पानी पियोगे, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा, तो उसको महसूस होगा कि व्यवस्था बदल गई। आज भी थाने तहसील कचहरी के अंदर जो शोषण आम आदमी का हो रहा है, जो गरीब आदमी का हो रहा है, जो नेता के टेलीफोन से जाता है, जो पैसों के लेन देन से जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं और गरीब आदमी आज भी रोता हुआ दिखता है। जितनी पेपर और की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, पेपर लीक हुए, पकड़ लिया आपने एक व्यक्ति को, लेकिन असली ताकत कौन सी पीछे, वो गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप देखिए आरोप प्रत्यारोप, दिल्ली वालों को अगर किसी को बीजेपी ज्वाइन करानी हो तो बार बार उसके परिवार पे ईडी भेजते हैं, सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, और जैसे ही ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, संडर हो जाते हैं और बाहर आके कहते हैं देखिए कांग्रेस में हमारी चलती नहीं इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन कर लिया। ये ऐसे मत करो, तो मैं तो जानता हूं, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूं, दिल्ली नागौर जयपुर दिल्ली ना, ये बातें तो पहले चलती थी जब नागौर के लोग दिल्ली नहीं जाते थे, अब तो नागौर का व्यक्ति दिल्ली को हिला के रख दिया उसने पूरे दिल्ली और देश को, उसको हर बात का पता है। और अगर मेरे कहने से ही सारे काम हो तो आपको पता फिर मैं तो अच्छे ही काम करूंगा ना सारे, कहाँ हो रहे काम बताओ मुझे, अभी मेरे साथ वालों को पूछो, ये सारे अवड़बाई देते रहते, अरे साहब काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ, लेकिन आरोप मेरे पे लगाना, 15-15 साल दिखाना नहीं, अपना बजट खर्च नहीं करना, भूल जाना, लोगों के शादी के कार्ड आते थे, लोग कहते थे हनुमान तो शादियों में बहुत जाता है, कि हनुमान तो 30 में जाता होगा, मैं 50 में जाती हूँ, तो बोले 50 में कैसे जाती हो, कि मैं सिरा में रख के सो जाती हूँ, तो चली गई 50 के अंदर, हो गया 50 कार्ड। दादाजी परदादाजी धड़दादाजी अब जिंदा होंगे क्या सारे सारे, अब तो हमें जो बैठा वही काम आएगा मेरे भाई, जो स्वर्ग सिधार गए वो वापस नहीं आने वाले। ये तो मेरा बड़पन देखो आप, कि मैं उनका पीछा नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, अगर मैं पूरी तरह के पीछे पड़ गया तो जेलें छोटी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ राजस्थान का, ये भी मेरी आदत, पीछा जिसका करता हूँ उनको पूछ लो राजस्थान की राजनीति के अंदर कि जिनका मैंने पीछा किया, 3-3, 4-4 टेबलेट शुरू करा दी, नींद नहीं आती, 4 टेबलेट रात को लेनी पड़ती है और 4 उठते ही लेनी पड़ती है, मैं नहीं करता पीछा, लेकिन कोई मुझे छेड़ता है तो छोटा मोटा जवाब भी देना पड़ता है, नहीं तो आप कहते डर गए हनुमान जी, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं मैंने तो हमेशा उस आदमी की मदद की जो मेरे पास आया। पिछला 18 का जो चुनाव था, 18 के चुनाव के अंदर अगर हमारे समाज के विधायक जाना ज्यादा बने, हमारे लगते विष्णोई समाज के, दूसरे कर्मी समाज के, शेड्यूल कास्ट के, और जिस व्यक्ति ने मुझे अगर कह दिया हनुमान जी आपकी नई पार्टी है आप नहीं जीत रहे हो कृपया चुनाव नहीं लड़ाए, नहीं लड़ाए मैं, नहीं लड़ाए तो बन गए दूसरे लोग, काम निकलो ले मेरे से, अब बड़ी बड़ी बातें, अब बड़ी बड़ी बातें करना, अब चुनाव आ गए वापिस, घर तो मेरा ही, जाएंगे कहाँ, अब की बार आने दूंगा अंदर, अब की बार नहीं आएंगे, अब की बार जिन लोगों की मैंने मदद की उनके दुख तकलीफ को देख के मदद की, और वो लोग अगर मेरे खिलाफ गलत बात करते हैं तो आखिर मैं भी तो तेजा जी का भक्त हूँ, कभी कभी मुझे भी तो गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो मेरे गुस्से से 10-5-15-20 का नुकसान भी होगा राजस्थान के लिए, उसके लिए आप तैयार रहो, लेकिन मैं भरपाई आपकी कर दूंगा। अगर SP आपका लग जाए तो थानेदार डिप्टी एडिशनल कोई भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोशिश करूंगा कि किसान कौम का बेटा इस बार राजस्थान के सिंहासन पर सत्ता के अंदर बैठे, यह प्रिया सम्मान बेनीवाल करेगा। भाइयों कहां है मजबूती लोगों के अंदर, मैं भी लोकसभा के अंदर था, जुलाई अगस्त में लोकसभा में था, NDA वाले पूरे पूरे मुझे मिलने के लिए भाग रहे हैं कि आप हमारी पार्टी NDA ज्वाइन कर लो वापस, सारी शर्तें मान लेंगे, मैंने कहा नहीं करता, INDA आइए, वो कह रहे हैं आप ज्वाइन कर लो, यहां तो लोगों को पता ही नहीं कौन टिकट देगा कौन नहीं देगा, मैंने कहा नहीं करूंगा, अकेला ही लड़ता रहूंगा,
मैं एनडीए में हूं और मैं आईएनडीआई के अंदर हूं, या मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा न भाजपा के साथ करूंगा। मैं तुम्हारी ताकतों देखूं एक बार, राजस्थान के जवानों की ताकतों देखूं कि तुम खाली नारे लगा रहे हो कि वोट भी डाल रहे हो। इस बार अगर मारवाड़ के अंदर आपने करिश्मा कर दिया, पूरा राजस्थान तैयार है भाइयों। मारवाड़ में अगर 25 सीटें आती है 43 सीटें हमारी, और हर जिले से एक एक सीट भी जीतते हैं। कितनी सीट होती है आपको बताऊं? सीटें होती है 40 से ज्यादा अकेले आरपी को मिलती है। और लेर चल जाए और अब सारे संतित हो जाओ, सारी बातें भुला दो और ये कर लो कि हमें तो सत्ता में कब्जा करना है। 70 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान का आएगी बिना गठबंधन। मैं अकेला ही था तो मैं बल्लभनगर पहुंचा अकेला था, 50,000 वोट आ गए। सरदार शहर गया, अकेला था, 47,000 आ गए। सुजानगढ़ अकेला था, 33 के करीब चला गया। साधन नहीं, संसाधन नहीं, एक व्यक्ति घूम रहा है रात और दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन की लहर राजस्थान के अंदर चल रही है, हर नौजवान सोच रहा है, हर किसान सोच रहा है कि हमारे सपनों की सरकार बने। अब की बार बेमौसम बारिश हुई, थोड़ा बहुत अनाज, थोड़ी बहुत फसलें हमारी ठीक थी, कुछ अनाज होता लेकिन चौपट हो गई। बीमा कंपनियां प्रीमियम लेके भाग गई, कई क्लेम नहीं मिल रहा किसान को, टकटकी लगा के सरकार की तरफ देख रहा किसान। विश्वास दिलाता हूं गिरदावरी भी हो रही है, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने, टोल मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान। बन्ना सेठों का 3,00,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस बीजेपी अगर देश में माफ कर सकती है तो किसान का कर्जा भी कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर माफ करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए, कोई छोड़ने वाला नहीं। अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकली थी, क्या नाम क्या था यात्रा का? नहीं नहीं, उस यात्रा में कैरेज पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे थे। नहीं सहेगा कोई, है ही नहीं जो सहेगा कौन। यात्रा के अंदर जाए और एक जगह यात्रा गई तो एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें यात्रा वाले खुद ही नाश्ता गाड़ियों में ले लिया, अगले पड़ाव में खुद ही भाषण दे के रहे, जो साथ थे वो नीचे नाश्ता करने लगे भीड़ के रूप, अपना नाश्ता लेके खुद ही भीड़ होता नहीं, लोग नहीं आते। ऐसा अपना खेमसर में भी बात है, उसको पता पुराने टाइम में एमएलए का चुनाव लड़े थे ना, नाच तो लेवड़ा सागर खुद ही भाषण देता ना, बंद गाड़ी बेच चले आ गए। और कांग्रेस की तरफ भी लोग नहीं जा रहे हैं, फिर किधर जा रहे हैं? अरे कहीं तो जा रहे होंगे, अब तुम तो आरपी की ओर जा रहे हो, लेकिन पूरा राजस्थान है वो सोच रहा हम क्या करें, किधर जाए। और ये तय है कि जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के अंदर लोगों की आस्था बदल रही है, जीवन भर कांग्रेस, एक नोटिस गया सत्यानाशी फूल, हमारा कमल का फूल हो गया। जो सत्यानाशी फूल के तो कमल का फूल हो, वो भाजपा जिसकी मुझे बी टीम बताते थे वो उनकी खुद की टीम हो गई। पता नहीं मैं किसकी बी टीम हूं, बीजेपी वाला कह रहे हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस वाला कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है। अब मुझे ये तो बताओ मैं बी टीम हूं किसकी? मुझे लग रहा मैं बी टीम नहीं हूं, मैं आपकी खुद की टीम हूं, नौजवानों की और किसानों की, और आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। इस देश के अंदर चर्चा चली, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, महिला आरक्षण के अंदर अगर देश में प्रमुखता से आपकी बात उठाई, ओबीसी विसंगति को दूर करने के लिए जिस तरह हमारे छोटे भाइयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस ने 5-7 नेताओं ने बरगलाने का काम किया, एक भी शेडो पोस्ट नहीं भरी, और विसंगति का आदेश भी अधूरा है। जुमले मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया, हलचल तो ही देश के अंदर, एक साथ चुनाव होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मोदी जी क्या कर लेंगे। और निकला क्या? महिला आरक्षण, वो भी कब? 26 जनगणना, डिलिमिटेशन, और उसके बाद आरक्षण, वो तो उसमें तो 15 साल लग जाएंगे। 1947 में होगा, 52 में होगा, 57 में होगा, या 34 में होगा, ये बताओ तो सही मेरे भाई। इस तरह जुमला छोड़ना और लोगों का ध्यान बटाना
ये दिल्ली का काम रह गया और राजस्थान का काम आप देख लो क्या रह गया। विपक्ष नहीं राजस्थान के अंदर, छोटी सी बात होती है आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ती हुई दिखती। किसान को आवश्यकता पड़ी, दलित को आवश्यकता पड़ी, जवान को आवश्यकता पड़ी, सामंती ताकतों के खिलाफ अगर किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पे सामंती ताकतों ने नहीं बैठने दिया, एक व्यक्ति और उसकी पार्टी, उसके जवान हर समाज को, सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं। अभी छात्र संघ के चुनाव जो राजस्थान में बंद हुए, मेरा तो कोई संतन भी नहीं है, जोधपुर विद्यालय में छात्र नेता बैठे हैं तमाम, इन्होंने रैली का आयोजन किया, सारे संगठन में धन्यवाद दूंगा इन सबका। मैंने आपके लिए 8 रैलियां राजस्थान में करी और विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली करी बच्चों के लिए, छात्रों से ज्यादा तो दूसरे लोग आए थे वहां आरएलपी के, उस रैली को कामयाब किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी एक आदत है कोई काम हाथ में लेता हूं समय लग जाता है, उस काम को भूलता नहीं और बीच में नहीं छोड़ता। मैं तमाम छात्र नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गहलोत को अगर चुनाव की घोषणा नहीं करी तो राजस्थान के अंदर बहुत भारी पड़ेगा और 2-3 दिन के अंदर शासन चुनाव की घोषणा मैं करवा दूंगा। टाइम का मुझे नहीं पता कि टाइम कौन सा होगा, लेकिन राजस्थान में शासन चुनाव की घोषणा इस जिद्दी कांग्रेस पार्टी से करा के कर लूंगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरे छोटे भाइयों को। और मुझे लोगों ने कहा कि साहब आप क्यों लड़ रहे हो, चुनाव का समय एक महीना खराब हो जाएगा आपका इन बच्चों के लिए। तो मैंने कहा मेरा जीवन ही खराब हो गया, 25 साल खराब ही तो हो गए, क्या किया मैंने, 3 में MLA बनकर मंत्री बनता, पारा बदल के फिर बन जाता, फिर कोई दुपट्टा दूसरी पार्टी का पहन लेता, भाषण तो बदल लेता और क्या करना, फिर आ जाता, 4 बार मंत्री रह जाता, दिल्ली में रह जाता और फिर कह देता मैं तो साफ सुथरा हूं, आपके बीच में मान लेते आप लोग। लेकिन मैं 3 से लेकर 23 तक के समय में जब इस मेले के अंदर एंटर हुआ था और एंट्री से 3 किलोमीटर पहले से जिस तरह हजारों नौजवान, ये जो लोग जा रहे हैं ना ये बहुत दूर दूर से आए हैं, रात हो जाएगी, लेकिन मेरे को भी जो सबके भाषण कराने थे 2 बजे आके करके चला जाता, चले जाते, फिर बाकी लोग कहते हनुमान आया यार चल दिया और वापिस कर दिया, लेकिन ये सब सुन के रवाना हुआ। एक बात हमेशा मैंने भाषण में कही, आपको याद है कि गाड़ी की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, 60-70, और कोई लड़की जीत कर ले शादी हो रही हो तो जल्दी आओ, बारात हो जाए लड़की के नहीं आए तो गड़बड़ हो जाए, उसमें आप 80 या 90-100 चला सकते, वो छूट दे दी मैं। तो एक लड़का फोन कर रहा मुझे कि साहब मेरे को गाड़ी 120 चलानी होगी, मैंने कहा क्यों, बोले नहीं तो मेरा रिश्ता ही टूट जाएगा, तो मैंने तो 120 ही चला, और तेरे पास अगर ड्राइवर नहीं मैं भेज देता हूँ, बोले साहब आप 140,000 के परसों फैल देने। अरे मैंने कहा मेरे को भागना था मेरे भाई, तो मेरी वोट क्यों कर रहा बिना बात, तुम बच्चे हो कि साहब आपको देगा मैं तो चलाऊंगा और मेरे तो रिश्ता टूट सकता है, मैं कहूँ रिश्ता मत तोड़, तो 120 चला दे ध्यान से चलाना और बेल्ट बांधना, मान लो भिड़ भी जाए तो खुल जाएंगे उसके, हाँ एयरबैग खुल जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, तेजा जी की कृपा से, गजानंद जी की कृपा से हमेशा हम कामयाब होते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आज का मेला देख के, आज की व्यवस्थाएं देख के भी अच्छा लगा, कुछ व्यवस्था में और सुधार क्या कर सकते हैं, पिछली बार तो हेलीकॉप्टर से मीटिंगें करी थी, 5 जगह जगा दिया सारे के सारे। अब आप ये मत सोचो, अब इस राजस्थान के कोने कोने के अंदर तेजा जी के मेले भर रहे हैं आज, कल कितने जागरण थे राजस्थान में, आज कितने मेले, अगर सपोज करो कि एक जगह एक ही मेला भर दो कितने लोग आए, 25 लाख लोग आ जाए यहाँ, 30 लाख लोग, लेकिन वो कई लोग वहीं से खुश हो जाते हैं, अपना अपना इलाके में मेला भराते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोचते हैं आएंगे करेंगे, लेकिन तेजा जी महाराज के प्रति जो आस्था का भाव इस राजस्थान में, जाट समाज के साथ साथ गुजर, यादव, मीणा, धाकड़, गाडरी, डांगी, पाटीदार, शुरुकाश के हमारे भाई, इन समाजों में देवासी समाज, इनके अंदर जो आस्था तेजा जी की बढ़ी है, आने वाले समय के अंदर इस मेले में करोड़ों लोग आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली सरकार से जब तक मैं हूं, भाई जब तक हूं जब भी तो कोशिश कर सकता हूं। अब आप गाना बजाते हो हनुमान जी आपकी जरूरत दिल्ली नहीं जयपुर में, कौन सा गाना हो, हाँ आपकी दिल्ली जरूरत नहीं तो आ जाऊंगा वापस, मेरे क्या जरूरत नहीं, मैं तो आने के लिए रेडी हूँ, तो यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पार नहीं पड़ेगा उधर वापस भेज देना, आता जाता रहूँगा, घूमता रहूँगा आपके बीच, मेरी जान जान जरूरत हो मुझे याद करो। हम ये भी कोशिश करेंगे अगर खरनाड़ गाँव के लोगों की इच्छा होगी, समिति एक बार तय करके बता दे
सुनो देखो, अगर अपन चाहते हैं कि यहाँ पुल बने या कुछ ऐसा चीज बनाए तो उसके लिए बात कर लेना आप लोग, उससे अपना गांव नहीं ढके, इतना ध्यान रखना। उस साइड से लेकर उधर तक पूरा ऊपर का पुल एक डेढ़ नहीं बनने से फायदा होता ही बनाओ, ऐसा नहीं गाँव ही ढक। बात कर लेना तो इतनी अभी कौन हाथों हाथ बना रहा है। एक काम करे, बात कर लो, बाद में यार पुल बनाए ढक दियो मैंने, ये भी नहीं मत करना। तो बात कर लेना आराम से, इंजीनियरों से बात कर लेना, अपने गांव में बैठ के बात कर लेना। सरपंच साहब पूरा ही पुल बना, कहीं ऐसा नहीं था गाँव लगा तो हमारा गांव दिखेगा, लेकिन पुल से ज्यादा दिखेगा उल्टा है। तो और बढ़िया करेंगे, ये भी करेंगे। एक मेरी दो तीन घोषणाएं, सरपंच साहब टेढ़ा टेढ़ा देख रहे थे मेरी तरफ के, घोषणाएं करके जाने काम हुआ नहीं अभी, क्या पैसा निकाला ही नहीं हमने, आज रात को बैठ के निकालेंगे, नहीं तो हमारा भी फिर क्या। वो पहले वाले के एमपी का पैसा लेप्स हुआ था ना कांग्रेस वाले का 5 करोड़, मैं आज नहीं निकालूंगा मेरा भी लेप्स हो जाएगा। आज निकाल भी दूंगा, वित्तीय स्वीकृति में निकाल दूंगा 20 लाख रुपए मेरे कोटे से, सामुदायिक भवन 20 लाख नारायण के कोटे से, कॉम्प्लेक्स जो दोनों सुलभ 40 लाख रुपये, और जो जो स्कूल है खरनाल की, मैं चाहता हूँ कि जब बर्मगांव में नई स्कूल बन रही है तो खरनाल में पूरी नई हाईटेक स्कूल बने, पूरी पूरी स्कूल नहीं बने। इसलिए सरपंच साहब मरम्मत को छोड़ो, पूरी स्कूल में महीना 20 दिन के अंदर सेंक्शन ले आएंगे और पूरी नई स्कूल खरनाल के अंदर, जिस तरह मंदिर बन रहा है स्कूल भी खरनाल की नहीं हो। एक आपके नाले की बहुत बड़ी दिक्कत है, इस नाले का एक दो दिन के अंदर बैठ के आपके निस्तारण कर देंगे। 1 किलोमीटर लंबा जो नाला आपका बता रहे हो सीवरेज लाइन और नाला, इसको भी बना देंगे। जितने भी आपके काम है करने का पूरा प्रयास करूंगा, अकेला व्यक्ति हूँ, आप लोग बहुत मजबूती से मेरे साथ हैं, लेकिन काम करने वाली जो टीम दूसरी होनी चाहिए। अभी लोगों ने तो यहाँ पार्टियां बनाई राजस्थान के अंदर, न किसी ने सोचा पार्टी बनाई उसकी रीति नीति, बहुत बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा प्रांत देश का, अलग अलग जातियां, और पार्टी का ये झंडा जो आप देख रहे हो। एक जमाना होता था कि हरियाणा और यूपी के नेताओं के झंडे हम उठाते थे, वो झंडा ले जाते थे डंडा छोड़ जाते थे यहाँ पे, मैंने आपको झंडा भी दिया और डंडा भी दिया। ये झंडा जो ले रहा है ये झंडा, और अभी छात्रसंघ के जब चुनाव थे एक जगह कोई परमिशन नहीं दे रहे पुलिस वाले, तो मैंने कहा तुम मेरा झंडा नहीं लगाएगा तुमने, फिर मैंने कहा झंडा लगा दो, जैसे ही हरा झंडा लगा बोले हनुमान जी आ रहे हैं, हाँ हाँ लीजिए परमिशन। तो मैंने कहा झंडा जिस तरह लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, ये आरएलपी का झंडा जैसे ही दिखता है राजस्थान की सरकार रुक जाती है, झंडा आ गया आरएलपी, अरे आरएलपी वाला आ गया। लेकिन फिर मैं कितना आपको सही दिशा के अंदर लेके चल रहा हूँ बताऊँ, मुझे मैंने कोई अभी काम नहीं बताया आपको, कोई विरोध वगैरह थोड़ी करवाया आपसे, करवाएगा किसी का, कभी नहीं करवाते। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरी गाड़ी पर पथराव किया उसको भी भुला दिया मैंने, उस बात को मैं नहीं चाहता समाज के भोले भाले बच्चे, मौका आएगा जब देखेंगे राजनीतिक रूप से जो लोग हम पे पत्थर बरसा रहे हैं, कभी हो सकता फूल भी बरसा दें, लेकिन राजनीतिक रूप से उसको याद जरूर रखेंगे, मौका लगेगा तो मौके पे चौका लगाएंगे, ये तय शुदी बात है। वो हमारे लोग टूल बन गए किसी दूसरे कहने से, सीएम के कहने से, हनुमान और ये लड़ ले बच्चे आपस में मर जाएं, नाश हो जाएं। मेरी समझ थी कि गाड़ी का कांच फुटा के भी आ गया, आया कि नहीं आया बताओ मुझे वहाँ पर, क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी। हर आंदोलन के अंदर मैं ले जाता हूँ आपको, बच्चों में बहुत जोश रहता है, बैरिकेड तोड़ेंगे।